दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी जहां हरियाणा में सरकार बना चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के नाम भी तय हो जाएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से उत्सव, उत्साह और उमंग का जो माहौल था वो अब सरकार बनने के बाद नई दिशा में काम करता दिखना शुरू हो रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ हैट्रिक की सरकार बनाकर दमादम है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर आज तक भी, यानी कि चुनाव परिणाम आने के 10-11 दिन बाद भी हाहाकार का माहौल है। मैंने आपको अपने कई पुराने वीडियोस में कहा था कि कांग्रेस के अंदर जो हार के बाद जो स्थिति बनेगी वो सब कुछ सामने आनी शुरू हो चुकी है। इस समय अगर कांग्रेस के अंदर कहें तो तमाम नेताओं के अंदर, तमाम राजनेताओं के अंदर एक अविश्वास, एक असहयोग, एक डर, एक भय और एक भविष्य को लेकर के अनेक प्रकार की चिंता है, अनेक प्रकार के उनके अंदर उहापोह की स्थिति है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के नेता के लिए, यानी कि जो विपक्ष का नेता बनना है, उसके लिए कल बैठक हुई थी 18 तारीख को, और बैठक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करवा दिया कि कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगा वो सभी विधायकों को मंजूर है। ये हुआ भी करता है, कोई पहली बार नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है दोस्तों कि उस बैठक से जिस प्रकार से विधायक बाहर निकले, चाहे वो चंद्रमोहन थे, चाहे वो इनके साथ साथ विनेश फोगाट थी या कुछ और विधायक भी थे, यानी कि जो सारा माहौल बना उससे आज भी यही संदेश जा रहा था कि कांग्रेस इस चुनाव को हारने के बाद भी उनके अंदर जो असहयोग की भावना आपस में नेताओं की रही है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ कांग्रेस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिस फाइंडिंग कमेटी के अंदर लिया गया माकन साहब को लिया गया, उसके अंदर भूपेश बघेल को लिया गया, कांग्रेस के और नेता भी लिए गए, वो भी अब 53 कैंडिडेट्स जो चुनाव हार गए उनके साथ बातचीत करके ये अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है कि कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा। अब इस तमाम को लेकर के उसके बाद पे जो कांग्रेस की स्थिति है, अगर मैं ये कह दूं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस का जो आला कमान है, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस प्रकार की चर्चा है, उससे लगता है कि वो ओवरहॉलिंग के मूड में है। ओवरहॉलिंग यानी कि जब गाड़ी का इंजन बैठ जाता है तो फिर उसकी ओवरहॉलिंग की जाती है, अगर इंजन चेंज नहीं किया जाता तो फिर गाड़ी की ओवरहॉल करके, यानी कि उसका हेड चेंज करके और उसके अंदर तमाम कुछ कल पुर्जे चेंज किए जाते हैं और उसको ओवरहॉलिंग का नाम दिया जाता है। अगर मैं ये कह दूं ओवरहॉलिंग, और या फिर ये कह दें कि बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग लग जाए तो फिर उसकी जान बचाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर बड़ी सर्जरी करते हैं, बड़े ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस का जो ओवरहॉलिंग होनी है या जो कांग्रेस का जो सर्जरी होनी है, गंभीर सर्जरी जिसके लिए तैयारी है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी नई बात हो सकती हैं। अगर कांग्रेस के मुख्य जो आपको किरदार बताऊं तो मुख्य किरदारों में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, यानी कि विधानसभा में विपक्ष के नेता, अगर वो सरकार बन जाए तो फिर वो सदन के नेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। विपक्ष के नेता के पद अभी तक जो था पिछले विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास था। हरियाणा के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान रहे, और इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया। लेकिन इसके बाद नाम तो दोस्तों और भी लिए जाएंगे, नाम तो और भी नेताओं के आएंगे, फिर उसके अंदर चाहे वो नाम केसी वेणुगोपाल का हो, चाहे वो उसके बाद में नाम अजय माकन का हो, और चाहे कांग्रेस का कार्यभार देखने वाले और तमाम नेता अशोक गहलोत हो, प्रताप सिंह बाजवा हो, ड्यूटियां तो सभी की लगेंगी, जिम्मेदारी तो सभी की निर्धारित होंगी। कुछ उसके अंदर ऐसे होंगे कि जिन पर घास गिरेगी और कुछ ऐसे होंगे जो कांग्रेस के आला कमान की पसंद होंगे, वो अपने पदों पर चलते रहेंगे। दीपक बावरिया अपना इस्तीफा दे चुके हैं, पहले उन्होंने पेशकश की थी और संभवतः अपना इस्तीफा दे चुके हैं कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के पद पर जिनको चाहे आला कमान बिठा दे। आपको मैं बता दूं कि चुनाव चलते चुनाव के बीच में दीपक बावरिया के साथ जो स्थिति रही, कभी वो अस्पताल में भर्ती हुए और कभी वो कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में बैठकर रोए, ये सारी स्थितियां बनी थी। लेकिन इस सबके बावजूद जब ऐसा लगता था और कांग्रेस चुनाव हार गई, तो इसलिए कांग्रेस के अंदर इस समय बड़ा
उथल पुथल की स्थिति है। अब अगर बात आ जाती है जिम्मेदारियां तय करने की, तो मैंने आपको बताया कि दीपक बावरिया तो कह चुके हैं। अब उसके बाद नंबर आ जाता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की भी पद से छुट्टी होना लगभग लगभग तय है। चर्चा ये चल रही है कि उदय भान के स्थान पर नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तो तय नहीं है, लेकिन चर्चाएं गंभीरता से हैं। मैंने आपको अपने कई वीडियोज में एक बात दोस्तों और शेयर की थी कि ये पहला चुनाव है जिसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस के नेताओं में किसी भी नेता ने हार का नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। हमेशा हुआ करता है, जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो उसके जो नेता हुआ करते हैं, खासकर राज्य के या देश के जो चेहरे होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहते हैं कि इस हार का नैतिक दायित्व मैं लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ये वाली लाइनें, ये शब्द अब की बार सुनने को नहीं मिले और इसकी चर्चाएं भी खूब हुई। अब इस समय बड़े गंभीर ये चर्चा ये है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चौधरी उदय भान का जाना लगभग लगभग तय है। चौधरी उदय भान को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा करके और किसी और नेता को लाया जाएगा, किसी और की ताजपोशी होगी। अगर आप देखें तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से कोई ना कोई दलित समाज का नेता रहा है। अब पिछला काफी समय का इतिहास देख लें, भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय फूलचंद बुलाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए, अशोक तंवर के बाद कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुई, कुमारी शैलजा के बाद चौधरी उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए। अगर आप कहूं तो फूलचंद बुलाना जो पुराने अध्यक्ष थे वो तो अस्वस्थता के दौर में है, उनके स्थान पर राजनीति के अंदर है उनके बेटे वरुण चौधरी मुलाना। वरुण चौधरी सांसद हैं आजकल, उनकी धर्मपत्नी पूजा चौधरी विधायक हैं। वरुण के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं कि उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल सकता है। मैं आपको दोस्तों एक बात यहां जरूर शेयर कर दूं कि अब अगर कांग्रेस जो सर्जरी करेगी, जो कांग्रेस की बात चल रही है ओवरहॉलिंग सर्जरी करने के मूड में अगर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो आप मान करके चलें कि दो जो गुट कांग्रेस के माने जाते हैं बड़े, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और एक कुमारी शैलजा गुट, इस बार अब दोनों गुटों के अंदर तारतम्य बिठाया जाएगा, दोनों गुटों के अंदर सामंजस्य बिठाया जाएगा ताकि जो पुरानी अदावतें हैं वो कम हो सकें। इस लिहाज से वरुण मुलाना का नाम लिया तो जा सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख बात ये आती है कि वरुण मुलाना जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के ज़्यादा माने जाते हैं। ये दीगर बात है कि उनकी धर्मपत्नी जो विधायक हैं अब की बार वो बैठक में नहीं गई थी। वरुण मुलाना के साथ एक बात जरूर है कि वो हुड्डा गुट के तो माने जाते हैं, लेकिन शैलजा गुट के साथ भी उनकी कोई बड़ी नाराजगी नहीं है, रुसवाई नहीं है। अगर अगला नाम ले तो अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर और तमाम पार्टियों की सैर करके अपनी पार्टी बनाकर, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में जाकर, उसके बाद में वो आम आदमी पार्टी में जाकर, फिर वहां से वाया बीजेपी भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़के हार करके और वहां सबसे होते हुए कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष इस समय सांसद बन चुकी हैं सिरसा की, और चौधरी उदय भान का मैंने आपको बता दिया। अब अगर कोई दलित चेहरा लाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से तो क्या वो कमान शैलजा गुट को मिल सकती है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि अगर विधायक दल के नेता की बात आएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा चुके हैं। हुड्डा साहब दिखा चुके हैं कि मुझे इग्नोर करना आसान नहीं होगा। हुड्डा साहब बता चुके हैं कि अगर आपने विधायक दल का जो नेता चुनना है तो उसमें भले ही हुड्डा साहब ना बने, लेकिन इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। इसी लिहाज से अगर देखें तो फिर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद कुमारी शैलजा के गुट में जा सकता है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चौधरी उदय भान का जब भी ओवरहॉलिंग शुरू होगी, कांग्रेस की सर्जरी शुरू होगी, तो फिर चौधरी उदय भान की विदाई और रुखसती लगभग लगभग तय है। उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, स्क्रिप्ट उसकी तैयार है, और कांग्रेस के तमाम नेता आप देख रहे होंगे जो बयान दे रहे हैं अध्यक्ष बनने के लिए, चाहे शमशेर गोगी का आज बयान था कि मुझे बना दीजिए प्रदेश अध्यक्ष 3 साल के लिए। तो इस लिहाज से देखें अध्यक्ष पद से जाना तय है, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपना नया चुन सकती है, और नए प्रदेश अध्यक्ष में अगर वो दलित समाज से लिया जाएगा तो इस चुनाव में एक जो नई बात चली एससी और डीएससी की, ये मसला कांग्रेस के अंदर भी रहेगा, क्योंकि डीएससी पूरी तरह से मोल्ड हुआ था कांग्रेस से हट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लोकसभा चुनाव में जो डीएससी और एससी यानी कि दलित समाज का वोट बैंक एक मेजोरिटी में गया था कांग्रेस को, वो विधानसभा चुनाव में बट गया था, और जिसका परिणाम हुआ
कि जो 17 सीटें हैं उनमें से आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। अगर एससी समाज से, दलित समाज से बनेगा तो फिर वो डीएससी और एससी ये कांग्रेस को देखना होगा। क्या पुराने नेताओं में कुमारी सैलजा हो सकती हैं, क्या अशोक तंवर हो सकते हैं, और या फिर कोई नया चेहरा तलाशा जाएगा, इस पर नजर रहेगी। अब बात आ जाती है कांग्रेस के विधायक दल के नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वापसी होगी क्या, और या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कोई, के स्थान पर कोई नया नाम आएगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात ही चलती है तो कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का रोष क्षोभ और ये सारी बातें चली हैं, कांग्रेस के अंदर और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीति को बड़ा कर दिया उसके बाद, यानी कि जाट और गैर जाट वाली राजनीति, आप देख लें तो तमाम शहरी सीटों पर, जितनी भी शहरी सीट हरियाणा की हैं, मैक्सिमम एक आधी रोहतक वगैरह आप सोच सकते हैं जो उसका एक ऑप्शनल रह गया, और नहीं तो बाकी सभी शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते। और शहरी मतदाताओं में, खासकर गैर जाट मतदाताओं में एक संदेश देने के लिए अब की बार कांग्रेस को कुछ ऐसा करना होगा कि जाट समाज को थोड़ा सा बैकफुट पर रखते हुए और गैर जाट समाज को आगे लाया जाए। अगर विधायक दल के नेता की बात आती है तो फिर जो 37 विधायक हैं, उन 37 विधायक में से 30 से ज़्यादा विधायक, 30, 31, 32 तक हो सकते हैं, वो हुड्डा गुट में हैं, और 5, 6, 7 विधायक तक मैक्सिमम कुमारी सैलजा गुट में हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायक दल के नेता पर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं लगभग आप तय मान करके चलें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की भी अब की बार प्रदेश विधायक दल के नेता पर उनकी ताजपोशी लगभग मुश्किल दिखाई पड़ रही है। हुड्डा साहब को उसके लिए मनाया जाएगा, समझाया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ये जरूरी है और इस लिहाज से वो सब होगा। पर अगर ऐसा होता है तो फिर विधायक दल का नेता कौन? मैंने जो बताया आपको कि हुड्डा को इग्नोर करना भी आसान नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, उस स्थिति में क्या अशोक अरोड़ा एक पंजाबी चेहरे के तौर पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता हो सकते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लोकसभा का, विधानसभा का तमाम चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष से लेकर और सूबे के परिवहन मंत्री तक लोकदल की सरकार में उनके पास ये दायित्व रहे। और अगर आज कहें तो फिर अशोक अरोड़ा कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फेस हो सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उन पर सहमति हो सकती है। और अगर कहीं दलित चेहरे की बात आती है तो फिर गीता भुक्कल हो सकती हैं। उस स्थिति में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो कोई नॉन एससी यानी कि कोई जाट समाज से, और या फिर गैर जाट और गैर दलित समाज से कोई हो सकता है। इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर जो सर्जरी वाली जो स्थिति आ चुकी है, उस स्थिति के अंदर कांग्रेस में दो काम होने तय हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान की उनके पद से विदाई, और दूसरा हरियाणा विधायक दल के नेता यानी कि हरियाणा के विपक्ष के नेता और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इन दोनों पदों पर नए चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।